राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी चल रही है आपकी लाइफ और क्या सब हो रहा है। तो आज बस इसलिए वीडियो बनानी थी कि अगर आप कहीं गर्मियों की छुट्टियों में कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ बच्चों की छुट्टी है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया जगह घुमा जाए जहाँ जाके आप एकदम तरोताज़ा हो जाए, एकदम मतलब मौसम से आपका दिल खुश हो जाए, तो आप आ जाइए दिल्ली। तो दिल्ली वाले सोच रहे होंगे भैया क्यों इन्हें गर्मी में मारना चाह रहे। तो दिल्ली में तो हालत बहुत ख़राब है, गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का कुछ नाम नहीं है। आज ही मेरे को सुनने में आया है कि सोसाइटी में कुछ लेबर काम कर रहे थे किसी चीज़ पे, उनकी भी तबीयत ख़राब है गर्मी की वजह से। तो ये गर्मी ने सबको झंझोड़ रखा है, लेकिन हाँ इसी गर्मी में काफ़ी सारे लोगों को अभी देख रहा हूँ काम भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गार्डनर हैं, गार्डनर वगैरह काम कर रहे हैं, अपना पेड़ पौधे लगाने में बिजी हैं, तो यही सब चल रहा है। बाकी गर्मी की छुट्टियों में अगर मेरे से पूछा जाए तो आप गाँव चाहिए, गाँव में बताइए कैसा मौसम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वेदर इतना ख़राब नहीं होता। ख़राब होता है तो बारिश हो जाती है वहाँ पे, जो मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा उमस पड़ने लगती है तो वहाँ बारिश हो जाती है। तो गाँव जाइए, आम खाइए, मुजफ्फरपुर से तो लीची भी खाइए, बाकी बिहार में गाँव जो मधुबनी साइड रहता है, दरभंगा साइड रहता है, वहाँ तो है ही काफ़ी सारा आम का स्टॉक रहता ही है, आम के मज़े लीजिए। गाँव जाइए बच्चों को लेकर, छुट्टियों का समय है, मेरे ख्याल से जून तक की छुट्टियाँ पड़ती है, जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जाइए वहाँ पे। अब तो फ्लाइट सेवा भी है, फ्लाइट सेवा है, ट्रेन है, आराम से घूम कर आइए। और यही है आजकल होता क्या है, हम बाकी स्टेट्स का तो नहीं मालूम, बिहार में ये रहता है कि अलग अलग जगह लोग पहुँचे हुए रहते हैं, मतलब सेटल हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले ही, जैसे दिल्ली में सेटल हो चुके हैं, मुंबई में सेटल हो चुके हैं, साउथ हो नॉर्थ हो हर जगह बिहार के लोग रहते हैं। लेकिन जो छुट्टियों का टाइम रहता है और जो दुर्गा पूजा का टाइम रहता है, उसमें आपका मतलब जितने भी लोग हैं सब वापस अपने प्रदेश में आते हैं, छुट्टियों का आनंद लेते हैं गाँव घर में जाकर। तो ऐसे ही करते थे बचपन में, हम भी गाँव जाते थे, तो अब तो छुट्टियां नहीं पड़ती, स्कूल जब से ख़त्म हुआ है तब से तो छुट्टियां सैटरडे संडे ही पड़ती है, तो टाइम नहीं मिल पाता। जाएंगे कभी ना कभी तो जाएंगे गाँव, गाँव जाना तो बनता ही है। बाकी बताइए वहाँ पे कैसा मौसम है, कैसी वहाँ पे गर्मी है, क्या वहाँ पे भी ऐसी हाल है मतलब उमस और हीट वेव वाला। अगर अच्छा मौसम है तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा मौसम चल रहा है। बाकी ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए एंड बताइए आप कौन से गांव से है, कमेंट सेक्शन में कौन सा गांव पड़ता है आपका और किस जगह पड़ता है, क्या लोकेशन है, और बताइए कौन सा स्टेट है, कौन सा गांव है, ये सब शेयर कीजिए। बाकी बताइए और भी डेस्टिनेशन गाँव के अलावा अगर कोई सेकंड प्रेफरेंस हो कि आप यहाँ ये बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इस मंथ में ये जाना जगह अच्छा रहता है, तो वो सब भी बताइए, क्या पता वहाँ पे भी जाने का प्लान करें तो एक ट्रैवल व्लॉग भी हो जाएंगे एक तरीके से। और ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अगर आप गर्मी में हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए, धूप में कम जितना हो सके उतना कम निकलिए, अगर आप निकलते भी हैं तो आप टोपी पहन के निकलिए। तो टोपी से याद आया, मैं भी अपनी टोपी दिखाता हूँ। ये है मेरी कैप, ये मैंने नई नहीं करी थी, ये बहुत साल पहले मुझे ऑफिस से मिली थी, इस पर लिखा है न्यूयॉर्क जेट्स, तो कोई बेसबॉल टीम है न्यूयॉर्क की, उसको शायद न्यूयॉर्क जेट्स कहते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने उसको अलमीरा में देखा नीचे, तो मैंने अब सोचा है कि बाहर निकलूँगा तो कैप पहन के ही निकलूँगा,
अदरवाइज़ नहीं निकलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाकी कभी बिहार आएंगे तो मीटअप रखेंगे गाँव में। बताइए कहाँ मीटअप रखना है। ऐसे मीटअप रखने से पहले एटलीस्ट मीटअप रखने लायक सब्सक्राइबर्स भी हो जाए हमारे तो सही रहेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2,000 या मेरे ख्याल से 2,500, अभी 2,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो एटलीस्ट 10K सब्सक्राइबर्स हो जाए तो देखते हैं किसी चौक पर मीटअप। बाकी ऐसी चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, करिए चैनल में। आप फेसबुक पर भी जुड़िए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का कंटेंट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ रहती हैं ज़्यादातर, यूट्यूब पे कम रहती है क्योंकि ये अलग मीडिया है। यूट्यूब पे आपका वीडियोस रह डलती है, इंस्टाग्राम पे रील्स डल जाती है। जो रील्स है वो इंस्टाग्राम पे डलती है, शॉर्ट्स हम नहीं डालते ज़्यादा यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स डली भी रहती है, और क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स जो इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ और रील्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जो मैंने देखा है उसके एडिटिंग जो उस पर फीचर्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे हैं। बाकी फेसबुक कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं डायरेक्ट, और मतलब फेसबुक उसके लिए रहता है, कमेंट्स कर सकते हैं आराम से फ़ोटोज़ पे या पोस्ट कर सकते हैं चीज़ें, तो उस पर भी आप जाके सपोर्ट करिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।